सभी बड़े बूढ़ों, मेरे दोस्तों, बच्चों, नारियों, माताओं, बहनों, सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो आज मैंने येलो ड्रेस पहनी है और मेरे ठाकुर जी भी आज येलो येलो ही हो रहे हैं, क्योंकि आज येलो डे है, बृहस्पतिवार है, गुरु भगवान का दिन है और मेरे ठाकुर जी, विष्णु भगवान, मेरे कृष्ण जी, मेरे राधा के श्याम को पीताम्बर रंग बहुत पसंद है। थर्सडे को मैं उन्हें पीला ही पहनाती हूँ और खुद भी पीला ही पहनती हूँ। और फ्रेंड्स, थर्सडे को मीन्स बृहस्पति को गौ माता को गुड़ चना जरूर खिलाना चाहिए। वैसे भी खिलाओ, मैं तो डेली गौ माता की पहली जो रोटी निकलती है मेरे घर में गौ माता की ही निकलती है, और बाद में जो आटा बच जाता है तो उसकी भी मैं रोटियां बना के गौ माता और कुत्ते के लिए भी भिजवाती हूँ। फ्रेंड्स, जीवों को हम खिलाएंगे तो प्रभु की कृपा हम पर भी बनी रहेगी, उनका गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं गौ की सेवा से। तो मेरे से जितना बन सकता है मैं करती हूँ कोशिश। आ गए तुम? हो गया लास्ट एग्जाम? नहीं, नहीं, क्या होता है लास्ट एग्जाम? तबीयत ठीक है रही है तेरी? दो बार वॉमिट की है। अब बाहर का नहीं खाना, मोमोज वगैरह ठीक है ना? अरे ये क्या हाथ में? मैच की रिपोर्ट कार्ड, इसके लिए हम बहुत भागे। आ गई। पहले तो एक स्पाइडर मैन, मतलब किसी की बुक थी उसकी लाइब्रेरी की, वो उसने खो दी घर पे, अब वो मिल के नहीं दे रही। तो मैंने ढूंढी थी पर वो मिली नहीं थी। हाँ, वो मिली नहीं रही थी। तो और पढ़ाई क्या होता है? तेरे एग्जाम भी फिनिश? किताब क्या होता है? वंशिका मैडम, तीनों लाइन से खड़ी हो, तीनों लाइन से। फ्रेंड्स बताओ सब में छोटी कौन है इनमें? मैं हूँ। वंशिका सब में छोटी है और ये सबसे बड़ी दिखती है। मैं मीडियम। फिर रिया है। नहीं, नहीं नहीं, सबसे बड़ी रिया है, फिर काव्या है, फिर वंशिका है और ये दिखती सबसे बड़ी है। और मैं तो मीडियम ही लगती हूँ। तो अब छुट्टियाँ शुरू। पढ़ाई क्या होता है? किताब क्या होता है? स्कूल क्या होता है? स्कूल में अभी से आ रही है, देखो कपड़े नहीं दिख रहे। अरे कपड़े? वंशिका पढ़ेगी सबसे ज्यादा छुट्टियों में, है वंशिका? क्यों, सच में पढ़ेगी तू? क्यों पढ़ेगी? ये पढ़ाकू बच्चे बेचारे। चलो अब एंजॉय करो मस्ती। आज रात को टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे कोई अच्छी सी। 3 दिन की 15 डेज की है। ओए 3 अप्रैल को जाना है। हां तो ओए चुप बता रात जाना। ओए घर से बात नहीं कर। हां ठीक है। ओए नहीं छुट्टियाँ पड़ गई। ओए ओए ब्लॉग आएंगे अच्छे, ओए ओए मजा आ गया। ओए ओए पास हो गया तू? हाँ। कौन बता रहा था? वंशिका दीदी बता ली थी। अच्छा जी। मैं ऊपर गई थी ना वहाँ पर। फ्रेंड्स, आयांश का आज रिजल्ट मिल गया है, उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, मैं नहीं गई, इसके पापा गए थे और इसका आज रिजल्ट आ चुका है। क्या रहा फ्रेंड्स? आयांश दिसंबर से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चल रहा था पैर का, तो अब इसका रिजल्ट आया है। मैम ने इसको प्रमोट किया है क्योंकि इसका लास्ट टाइम रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो इसे सेकंड क्लास में अब प्रमोट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, वैसे इनके स्कूल में फर्स्ट क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं एनुअल, बस ओरल असेसमेंट ही होती है। तो मैम ने इसकी पहले की परफॉर्मेंस अच्छी रही क्लास में, तो उस बेसिस पर इसके एब्सेंट होने के बावजूद भी इसको अच्छा रिजल्ट दे दिया है, इसको B2 ग्रेड देकर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया है अयांश को। अब अयांश कब से स्कूल जाएगा? अयांश 1 अप्रैल से स्कूल जाएगा। फर्स्ट से जाएगा, 3 अप्रैल से जाएगा। देखते हैं मंडे पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है। अप्रैल से अयांश सेकंड क्लास में जाएगा, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू बुक्स आएंगी। यस है ना? हिंदी में। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज हमारी कुल देवी के दर्शन करने। आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में, गैस करो। दिल्ली में रहते हैं हम, तो हमारी कुल देवी कौन हुई?
आगे आपके लिए सरप्राइज है, बताओ फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी। कमेंट में बता देना। आज हम पहुंच गए हैं अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए। भजाना जो जो दिल्ली में रहते हैं वो तो जानते ही हैं कौन सी जगह है ये। तो ये है हमारी कालका माई। बोलो कालका माई की जय। तो माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेंपल में। बच्चों का बहुत मन हो रहा था इस्कॉन जाने का, तो अब आ गए हैं हम इस्कॉन। फ्लावर्स की ना बहुत मन लगता है कौन टाइम ये देखो अयांश दर्शन नहीं करने, आप पहले दर्शन तो कर लें। आ गए हैं घर कालका जी माता के दर्शन करके और इस्कॉन टेंपल में अपने ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन करके। फ्रेंड्स कालका जी हमारी कुल देवी हैं, जैसे कुल देवता होते हैं ऐसे कुल देवी भी होती हैं। तो दिल्ली हमारी तो कुल देवी है, बाकी दूर दूर से पूरे NCR से और बाहर से भी देश के कोने कोने से भी लोग कालका जी माता के दर्शनों के लिए आते हैं। और हमारे घर में कोई भी शादी हो कुछ भी फंक्शन हो जो सबसे पहला कार्ड जाता है वो सीधे कालका जी मंदिर जाता है। जब अयांश का ऑपरेशन हुआ था तब मैंने प्रे करी थी कालका जी मैया से कि जब ये ठीक हो जाएगा हॉस्पिटल से घर आने के बाद जब पैर इसका ठीक हो जाएगा प्लास्टर उतर जाएगा इसका तब मैं इसको दर्शनों के लिए ढोक के लिए माता रानी के मंदिर लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज काव्य के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए और फिर हम बच्चों को लेकर हम गए माता रानी के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स ये देखो अयांश इस्कॉन टेंपल से क्या लेके आया है, ड्राइंग बुक। इसमें सारे कृष्ण भगवान के राधा रानी के और जो उनके संत हैं उन सब की ड्राइंग दे रखी है जिसमें कलरिंग करनी है। अयांश हर बार लेकर आता है, उसको
ड्राइंग बुक को फिल कर देता है, फिर लेके आता है न्यू वाली, है ना? हाँ। अच्छा लगता है आपको ड्राइंग करना? ड्राइंग अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है करने में ड्राइंग, भगवान जी की। भगवान जी की अच्छी लगती है। हाँ। हम्म, अभी तो देखो पंख के अंदर करा। अच्छा, रायांश कालका जी मैया के दर्शन करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपने किए थे दर्शन? थे, कैसी लग रही थी मैया? अच्छी लग रही थी, जय भी करा था। जय भी करा था। फ्रेंड्स, हाँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? कैसे लगे आपको कालका माई के दर्शन और श्री कृष्ण राधा कृष्ण के दर्शन इस्कॉन टेम्पल? मैंने आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स, और मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मेरी फैमिली में सभी लोग ही स्पिरिचुअल हैं। हमारा ज़्यादातर हम वृंदावन इस्कॉन कालका जी और जितने भी ये तीर्थ होते हैं वहाँ ट्रैवल करते हैं, जाते हैं दर्शनों के लिए। और मेरी तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, तो मेरा तो ऐसा मन करता है कि हर हफ्ते क्या रोज़ रोज ही वृंदावन पहुंच जाऊं, वहाँ के लिए तो मैं पागल रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। हेलो श्री राधा रानी की जय, हमारी कालका माई की जय। माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे एंड करते हैं। राधे राधे, गुड नाइट, आई लव यू ऑल।